हेलो एवरीवन, आई एम रवि जैन। आज हम एक नया चैप्टर देखेंगे। इसमें हम देखें एक्जिम बैंक, आरबीआई, फेमा और फेडाई के रूल्स के बारे में। उनका क्या इंटरनेशनल जो ट्रेड है उसमें क्या रिले क्या कंट्रीब्यूशन रहता है उसको समझेंगे। और ये चैप्टर काफ़ी थ्योरेटिकल है, पर हम इसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं और जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं उनको ही स्टडी करेंगे, पर उनको कंसेप्चुअल वाइज हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्जिम बैंक के बारे में। तो 1981 जो एक्जिम का मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया है, और इसका एक एक्ट भी आया था एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया का ये आया। और इसका काम क्या है कि हमारे देश में जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है उसको प्रमोट करने का काम है। उसके लिए जो भी एक तरीके से इसको बोल सकते हैं कि प्रिंसिपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। और ये एक हमारी देश की पार्लियामेंट ने 1981 में एक्ट बनाया, उसके अकॉर्डिंग ये एक्जिम बैंक बनाया गया है और 1982 से काम कर रहा है। और इसको आप देख सकते हैं कि इसका काम क्या हो गया। ये प्रिंसिपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। किसके लिए? कोई भी फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए या कोई भी सर्विसेज चाहिए और कोई भी कोऑर्डिनेशन चाहिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड चीज़ों में, उनके लिए ये है। तो अभी इसमें हम देखेंगे कि इसके क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं। तो इसके जो जो इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं उनको हम देखेंगे कि ये बायर्स को क्रेडिट प्रोवाइड करता है। बायर्स को क्रेडिट प्रोवाइड करवाता है, इसका मतलब क्या है कि जैसे ये एक्सपोर्टर है, ये इंपोर्टर है। अपने इंडिया के रेस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं तो ये एक्सपोर्टर इंडिया का हो गया, ये सेलर है और ये बायर है। तो जो इंपोर्टर है, जो बायर है, उस जो दूसरी कंट्रीज का बायर है उसको भी ये क्रेडिट प्रोवाइड करवाता है। उससे क्या फायदा होता है कि यहाँ का अपना का जो एक्सपोर्ट है वो क्या हो जाएगा, प्रमोट हो जाएगा ना। क्योंकि कई बायर्स ऐसे होते हैं, कई जगह के बायर हो सकते हैं, वहाँ जहाँ पर वो क्या है कि वो परचेज करने में थोड़ा डिफिकल्टी पा रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि बाद में पेमेंट करें, डिफर्ड पेमेंट सर्विसेज चाह रहे हैं। तो उन केसेज में क्या आएगा, एक्जिम बैंक रोल निभाएगा और उसको क्या बोलेंगे, बायर क्रेडिट बोलेंगे। एक्जिम बैंक रोल निभाएगा और उसको क्या बोलेंगे, बायर क्रेडिट बोलेंगे। और ये जो है नॉन एलसी बेस्ड ट्रांजेक्शन है, इसलिए एलसी का चार्ज भी बच जाता है, इंपोर्टर को एलसी का चार्जेज भी बच जाता है। फिर ये अगर आपको कंसेप्चुअल सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आप मेरे जो पुराने चैप्टर्स हैं उनको पढ़ते आइए, तभी आपकी जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप हो जाएगी। और जब हम यहाँ बता रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें जैसे एलसी हुई या और भी कोई बातें हुई, हम ये अज्यूम करते हुए चल रहे हैं कि आपको वो सारी चीज़ें ऑलरेडी समझ में आ गई है। दूसरा जो इसका प्रोडक्ट है, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट है पर जो हम देख रहे हैं एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट और सिंपल सिंपल, उनको बोलते हैं लाइन्स ऑफ क्रेडिट। एग्जिम बैंक क्या करता है कि बहुत सारी जो फॉरेन गवर्नमेंट्स हैं उनको लाइन ऑफ क्रेडिट भी एक्सटेंड करता है। उसमें क्या होता है कि वो गवर्नमेंट्स हैं उनकी, वो अपने कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या उनकी वहाँ की जो फॉरेन गवर्नमेंट्स हैं उनके बैंक्स वगैरह को वो, ताकि क्या होता है कि वो फॉरेन बैंक्स वगैरह को, जो फॉरेन गवर्नमेंट्स को क्या मिल जाएगा, क्रेडिट मिल जाएगा, लाइक बाय क्रेडिट ही है। इसके अलावा इसमें कई बार एक टर्म और आ जाती है, एक्सपोर्ट मार्केटिंग फंड। जो है वो क्या होता है, ये एक्चुअली क्या हुआ था कि एक्सपोर्ट मार्केटिंग फंड है जो एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए बना था और ये वर्ल्ड बैंक ने प्रोवाइड किया था। अब इसके क्या है कि एक्सपोर्ट मार्केटिंग फंड ये भी एग्जाम में कई बार आ जाता है, तो इसको जो मैनेज करना है उसका काम कौन करता है, एक्जिम बैंक ही करता है एक्सपोर्ट मार्केटिंग फंड का। कई शॉर्ट फॉर्म आ जाती है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है। तो इसमें क्या है कि इसके तीन पार्ट्स है, EMF 1, EMF 2, EMF 3। EMF 1 क्या था कि वर्ल्ड बैंक का जो लोन मिला था इंडिया को उसका पार्ट है, और ये मतलब $250 मिलियन का मिला था, ये आपको ध्यान नहीं रखना है। EMF 2 भी क्या है कि वर्ल्ड लोन का पार्ट है और ये एक्सपोर्ट डेवलपमेंट के लिए और इंडस्ट्रियल एक्सपोर्ट को डेवलप करने के लिए मिला था ये। और अब इसी एक्जिम बैंक ने अपनी रिसोर्सेज से EMF 3 भी लॉन्च किया है। तो मतलब आपको बस ये ध्यान रखना है कि एक्सपोर्ट मार्केटिंग फंड को कौन मैनेज करता है इंडिया में, एक्जिम बैंक मैनेज करता है। ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसका टेक अवे ही है। ऐसे ही एक होता है प्रोडक्ट लाइबिलिटी इंश्योरेंस, ये भी इसका भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ जाता है, PLI प्रोडक्ट लाइबिलिटी इंश्योरेंस। ये क्या होता है कि जैसे कोई भी एक्सपोर्टर है
इसका डायरेक्ट हमने क्वेश्चन दिया हुआ है। और ये मान लो कि कोई डेवलप्ड कंट्री में, कोई डेवलप्ड कंट्री में कोई प्रोजेक्ट कर रहा है, कुछ भी कर रहा है एक्सपोर्टर, तो वहां पर क्या होता है कि जो डेवलप्ड कंट्री जो है उसमें इन्होंने मान लो कि कोई कोई मान लो कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट ले रहे हैं जिसमें कि हो सकता है कि एनवायरमेंटल हार्म हो या कुछ भी हार्म हो, तो क्या होगा कि वहां के लोग लिटिगेशन करेंगे, वो करेंगे। तो ये जो एक्सपोर्टर है, मान लो कि इंडिया का एक्सपोर्टर है, तो उसको क्या होगा कि उसके ऊपर डैमेज हो सकता है। तो एक इनको क्या करना पड़ता है कि इंश्योरेंस करवाना पड़ता है, ताकि जो कोई भी प्रोडक्ट के वो इंश्योरेंस को क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट लाइबिलिटी इंश्योरेंस बोलेंगे। उस इंश्योरेंस से क्या हो जाएगा कि एक्सपोर्टर को कोई नुकसान नहीं होगा, जो भी होगा वो इंश्योरेंस कंपनी को पे करना पड़ेगा नुकसान। मतलब डेवलप्ड कंट्री में मान लो आप कोई प्रोजेक्ट चला रहे, फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट चला रहे हैं ऑयल ड्रिलिंग का, ऑयल ड्रिलिंग का प्रोजेक्ट चला रहे, तो वहां के लोगों ने अपोज कर दिया। मान लो फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया में चला रहे हैं आप लोग, और वहां के लोगों ने अपोज कर दिया, अंबानी यहाँ के अडानी चला रहा है, और यहाँ के मान लो की कंपनी चला रही है कोई भी कंपनी, और वहां के लोगों ने अपोज किया और वहां के लोगों ने केस कर दिया, वहां की किसी भी संस्था ने लोगों ने केस कर दिया, तो उस केस के कारण नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए क्या कराते हैं, इंश्योरेंस कराते हैं, और वो उनको उस इंश्योरेंस का नाम होगा प्रोडक्ट लाइबिलिटी। एक्सपोर्टर को वो इंश्योरेंस कराना पड़ेगा। और एक्सपोर्टर को प्रमोट करने के लिए एक्जिम क्या करता है कि जो उसका प्रीमियम होता है, इनिशियल जो प्रीमियम है वो कौन फिल करता है, एग्जिम बैंक फिल करता है। तो ये सब जानकारी है, कंसेप्ट समझना है, पर उसके साथ एग्जाम में जनरली क्वेश्चन क्या आता है कि जो ओसीडी, ये एग्जिम बैंक किनका करता है, जो जो ओसीडी कंट्रीज है। ओसीडी कंट्रीज का मतलब क्या है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक्स कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट कंट्री, मतलब ये डेवलप्ड कंट्रीज होती है उनमें अगर मान लो कोई भी एक्सपोर्टर भेज रहा है, इसको अपन लिख सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको फुल फॉर्म ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, बस समझना है, फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। तो ओसीडी कंट्रीज को अगर मान लो कि कोई भी एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट कर रहा है, तो उनको क्या होगा कि उनको सपोर्ट मिलेगा एक्जिम बैंक से। क्या सपोर्ट मिलेगा, पीएलआई का सपोर्ट मिलेगा, प्रोडक्ट लाइबिलिटी इंश्योरेंस का सपोर्ट मिलेगा। प्रोडक्ट लाइबिलिटी एक्सपोर्ट मार्केटिंग फंड नहीं, प्रोडक्ट लाइबिलिटी इंश्योरेंस का सपोर्ट मिलेगा। उसमें जो ये सपोर्ट मिलेगा, इससे क्या होगा कि वो जो इनिशियल जो प्रीमियम होगा, इनिशियल कॉस्ट आएगी पीएलआई की प्रीमियम की, वो कौन फिल करेगा, एग्जिम बैंक में दे देता हूँ, ये सपोर्ट करने की हो गई। ऐसी एक और स्कीम होती है, ये एक ओल्ड क्वेश्चन है, ये जो हमने लिया है एक पुराना क्वेश्चन है उसी के बेस पे। एक और स्कीम होती है ईवीडीएलपी, एक्सपोर्ट वेंडर डेवलपमेंट लेंडिंग प्रोग्राम। इसमें क्या होता है, इसको बोलते हैं एक्सपोर्ट वेंडर। ये इसका आंसर तो बी ही है, जस्ट हम ईएमएफ हमने समझ लिया, पीएलआई हमने समझ लिया, ये शॉर्ट फॉर्म तीसरी थी एवीडीएलपी, एक्सपोर्ट वेंडर डेवलपमेंट लेंडिंग प्रोग्राम। इसमें क्या होता है कि जो एक्सपोर्टर है, हमारा पर्पज क्या है कि एक्सपोर्ट को प्रमोट करना ज्यादा से ज्यादा, तो हम क्या चाह रहे हैं कि जो एक्सपोर्टर है वो भी है नहीं, यहाँ से इंडिया से एक्सपोर्ट तो करेगा बाहर, पर वो जो ये इम्पोर्टर है, पर इसको भी कहीं से नहीं कहीं से इंडिया के ही किसी वेंडर से, इंडियन वेंडर्स होंगे और भी, उनसे क्या चाहिए होगा, इसको रॉ मटेरियल चाहिए होगा, कुछ ऐसी चीज चाहिए होगी, मशीन चाहिए होगी, मैन पावर चाहिए होगी, कुछ ना कुछ चाहिए होगी इंडिया के मटेरियल से ही। तो उन उन वेंडर्स को प्रमोट करो जो कि एक्सपोर्ट को प्रमोट करे, मतलब जो ज्यादा ज्यादा ये चीजें आए जिनको प्रमोट किया जा सके। मान लो कि अपन को इंडिया से ऐसी चीज है जो कि एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, हम लोगों के पास एक्सेस में है, तो उन वेंडर्स को हमें क्या करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए। तो इस एक्सपोर्टर को हम बोलेंगे कि यार तुम उन वेंडर्स को डेवलप करो, इसके लिए हम आपको क्या करेंगे, लोन देंगे, आप उनको डेवलप करो, रुपए में लोन भी देंगे, सस्ते में लोन भी देंगे। आप क्या करो, अपने वेंडर्स को डेवलप करो, जो भी आप जहां से भी आप रॉ मटेरियल वगैरह लेते हो उसको और डेवलप करो, उसी को क्या बोलेंगे, एक्सपोर्ट वेंडर डेवलपमेंट लेंडिंग प्रोग्राम। क्लियर है। अब इसके बाद हम अगला जो टॉपिक है वो हमारा आरबीआई। आरबीआई हमारा सेंट्रल बैंक है, तो उसका जो मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या काम करता है, एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ रूपी को मेंटेन रखने का काम भी उसी का है, और इसीलिए वो जो आरबीआई है ये सब उसके पास जो पावर्स आती है वो क्या आती है, फेमा एक्ट से आती है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। इसके बारे में हम और पढ़ेंगे, क्योंकि ये क्या हुआ कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 2000 से हमारी देश में चल रहा है, 1 जून 2000 से,
और इसमें क्या हो गया कि फेमा एक्ट के अंतर्गत आरबीआई को बहुत सारी पावर्स मिली हुई है, ताकि उसका काम क्या है, आरबीआई का काम यह है कि रुपए की वैल्यू मेंटेन रहे। तो इसलिए वो क्या होगा कि रुपए की वैल्यू को मेंटेन रखना, फॉरेक्स को मेंटेन रखना, इसके लिए वो क्या करेगा, आरबीआई कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएगा ताकि हमारे पास फॉरेक्स को मेंटेन रखे, और फॉरेक्स को मेंटेन रखेंगे तो उन रूल्स और रेगुलेशन का हमारी किस चीज पे फर्क पड़ेगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे फर्क पड़ेगा। तो जो फेमा एक्ट है उसका अगर आप उसका कोई भी रूल्स वगैरह फॉलो नहीं करते तो आरबीआई क्या कर सकती है, पेनल्टी लगा सकती है फॉर कंट्रावेंशन ऑफ एनी डायरेक्शन अंडर फेमा एक्ट, है ना। फेमा एक्ट 1999, और ये कितने रुपए लगती है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि कितने रुपए की पेनल्टी लगती है। अगर मान लो कि फेमा एक्ट को फॉलो नहीं करते हैं तो जो ये पेनल्टी लगती है 10,000 रुपए की पेनल्टी लगती है। कितने रुपए की पेनल्टी लगती है, 10,000 की। और मान लो पेनल्टी नहीं पे करे कोई पर्सन या कंटिन्यू रहे कॉन्ट्रावेंशन, तो फिर पर डे कितने की पेनल्टी लगती है, 2,000 रुपए की। तो ये एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, ये ओल्ड पेपर है का क्वेश्चन है। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो मतलब फेमा एक्ट काफी इंपॉर्टेंट एक्ट है, इसके अंतर्गत पेनल्टी वगैरह लगती है, और पेनल्टी कितनी लगती है, एक पेनल्टी अगर आपने फेमा एक्ट को कोई डायरेक्शन फॉलो नहीं करी तो आरबीआई 10,000 रुपए की पैसे की पेनल्टी लगाएगा, और उसके बाद 2,000 रुपए की लगाएगा। जो फेमा एक्ट है, पहले क्या था, फेरा था, उसके बाद क्या हुआ कि फेमा आ गया फॉरेन एक्सचेंज। तो फेरा में क्या होता था कि जो भी अगर इसका कॉन्ट्रावेंशन हुआ तो क्रिमिनल, उसको मतलब क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता था। क्रिमिनल ऑफेंस का मतलब कोर्ट वगैरह केस और उस टाइप का, कि भाई ये तो मतलब क्रिमिनल केस है। अब जो माना जा रहा है, अब क्या माना जा रहा है, सिविल। अगर मान लो फेमा का अगर वॉयलेशन फेरा को फॉलो नहीं करते क्रिमिनल माना जाता है, और फेमा को फॉलो नहीं करते हैं, फेमा को फॉलो नहीं किया जाता तो केवल सिविल ऑफेंस माना जाएगा। तो आपको यह ध्यान देना है, इसलिए उस तरीके से। तो फेमा एक पहले फेरा था, वो बहुत हार्ड था, मतलब एक थोड़ा डिस्करेज करने वाला था, कि कोई बंदा एक्सपोर्ट इंपोर्ट में कर रहा है उसे मान लो कोई गलती हो गई या कुछ मजबूरी है उस वजह से नहीं कर पाया, तो वो क्रिमिनल ऑफेंस में चला जाएगा। अब फेमा आ गया, फेमा 1999, जो कि 2000 1 जून 2006 से 1 जून 2000 से हमारे देश में इम्प्लीमेंट हुआ, तो उस चीज में क्या है कि सिविल ऑफेंस ही माना जाता है। और सिविल ऑफेंस में कितने रुपए का पेनल्टी लगती है, 10,000 रुपए की तो पेनल्टी लगती है, और आप गलती बनाए रखते हो तो 2,000 रुपए की पर डे पेनल्टी बनाए लगती है। ऐसे आरबीआई को बहुत सारे डाटा क्या होता है कि जो भी अथोराइज डीलर्स बनाए हुए हैं, क्योंकि फेमा ने ही पावर दी है आरबीआई को, तो आरबीआई क्या करता है, अथोराइज डीलर को अपॉइंट करता है। तो अथोराइज डीलर्स मतलब अथोराइज पर्सन होते हैं, जो कि हमने पहले देखे थे कैटेगरी उनकी, तो उनको क्या करना होता है, आरबीआई को कंटिन्यूअस बेसिस पे डाटा देना पड़ता है। ये हमने पहले देख चुके हैं कि भाई फेमा वगैरह के बारे में और कंसेप्चुअल, तो इसलिए आप उनको सबको एक साथ समग्रता में पढ़ना पड़ेगा, इसलिए हम लोग उनको रिपीट नहीं करेंगे, बहुत सारी चीजें जो रिपीट हो रही है। पर इसमें जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि भाई वो आरबीआई को डाटा देता है, एक तो था आहार रिटर्न देनी पड़ती है। आहार रिटर्न का मतलब क्या होता है कि जो भी फॉरेक्स ऑपरेशंस हो रहे हैं उनका क्या होना, बैंक जो बैंक्स को या अथोराइज डीलर्स को क्या देना पड़ता है, आरटीआई आर रिटर्न देनी पड़ती है। आर यानी आर फॉरेक्स ऑपरेशन की जो भी है, सबसे पहले आप इसको ऐसे भी ध्यान रखते हैं आरटीआई की तरह है, कि मतलब सारी इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है आर रिटर्न में। याद रखने के लिए मैं आरटीआई वर्ड यूज किया है, पर आर रिटर्न। और ये कब देनी पड़ती है, हर मतलब एक तो क्या देनी, 15 तारीख को देनी पड़ेगी और एक 30 तारीख को देनी पड़ेगी। ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आता है, ये भी आता है कि आर रिटर्न किस किस डेट को देनी पड़ती है बैंकों को, 15 तारीख को और 23 तारीख को, और किस किस चीज के लिए, फॉरेक्स ऑपरेशन के लिए, या फॉरेक्स ऑपरेशन के लिए क्या देनी पड़ेगी, आर रिटर्न देनी पड़ेगी। कोई सा भी एक क्वेश्चन पक्का आ ही जाता है। उसके अलावा ये भी आ जाता है कि बेल स्टेटमेंट, वो इसका मतलब क्या, बेल का मतलब बैलेंस, नोस्ट्रो या वोस्ट्रो अकाउंट में जो भी बैलेंसेज है वो क्या होता है, आरबीआई को देना पड़ता है, उसको क्या बोलते हैं हम, बेल स्टेटमेंट बोलते हैं। इसके लिए कोई टाइम नहीं बताया गया है, पर आर रिटर्न का जो है वो इंपॉर्टेंट है कि हर 15 तारीख को और 20 तारीख को जाए। ऐसे ही दो स्टेट है, स्टेटमेंट 5, स्टेटमेंट 8। स्टेटमेंट 5 में क्या है कि जो एफसीएन फॉर करेंसी, जो एफसीएनआर बी अकाउंट्स है उनका देना पड़ता है, और स्टेटमेंट 8 है उसमें किसका देना पड़ता है, एनआरई और एनआरओ अकाउंट का, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। एफसीएनआर और तो आपको ध्यान रखना है, स्टेट 5 में किसका, एफसीएनआर बी का, और स्टेटमेंट 8 है उसमें क्या इसका देना पड़ेगा, एनआरई। तो आपको बेल का मतलब याद रहेगा बैलेंस के लिए, आर रिटर्न का मतलब फॉरेक्स ट्रांजेक्शन के लिए, स्टेटमेंट 5 किसके लिए, एफसीएनआर अकाउंट के लिए, फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट है,
है ना, तो नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल रुपी अकाउंट, नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी रुपी अकाउंट। तो फॉरेन करेंसी वाले जो अकाउंट है वो 5 में, और जो नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल रुपी अकाउंट, ऑर्डिनरी रुपी अकाउंट, वो स्टेटमेंट 8 में देना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है, ध्यान रखना है। ऐसे ही जो एनआरडी सीएसआर, इसका मतलब क्या है कि जो नॉन रेजिडेंट डिपॉजिट है उनका अकाउंट, सीएसआर मतलब कंसोलिडेटेड रिपोर्ट, एनआरडी का मतलब नॉन रेजिडेंट के जो भी जितने भी डिपॉजिट्स हैं उनका कंसोलिडेटेड डाटा किस में देना पड़ेगा, एनआरडी सीएसआर में। ये भी एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, पहले आया हुआ है। ये भी आ जाता है आईबीएस, इंटरनेशनल बैंकिंग स्टेटिक्स। तो इसमें क्या होता है कि सारे जो इंटरनेशनल असेट्स है वो लाइबिलिटीज है, उनका डाटा देना पड़ेगा, इंटरनेशनल बैंकिंग स्टेटिक्स। तो इसमें क्या होगा, सारे जो भी है, पर ये डाटा कैसे देना पड़ेगा, क्वार्टरली देना पड़ेगा। क्वार्टरली का मतलब क्या हो गया कि मार्च में देना पड़ेगा, मतलब मार्च एंड में, मतलब अप्रैल के स्टार्ट में, ऐसे हर क्वार्टर में देना पड़ेगा। हर क्वार्टर का मतलब फर्स्ट क्वार्टर का, सेकंड क्वार्टर का, मतलब अप्रैल में, फिर उसके बाद मई जून जुलाई, मतलब उस तरीके से देना पड़ेगा। तो ये क्वार्टरली डाटा, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आईबीएस कब देना पड़ता है, क्वार्टरली। आर रिटर्न कब देना पड़ता है आपको, 1 महीने में 2 बार देना पड़ता है। ऐसे ही हर मंथ में, मतलब क्या होता है कि जो भी आरबीआई ने क्या है कि जो है ना कि एक लिबरलाइज स्कीम बनाई है रेजिडेंट्स के लिए, रेजिडेंट्स के लिए क्या बनाई, एक लिबरलाइज स्कीम। उसके अंतर्गत क्या है कि आप टू आप US$2,50,000 का बाहर रेमिटेंस कर सकते हैं। US$2,50,000 का क्या कर सकते हैं कि रेजिडेंट्स रेमिटेंस कर सकते हैं, जो भी रेजिडेंट्स इतने रुपए बाहर US डॉलर के इक्वलेंट भेज सकते हैं। तो मतलब US डॉलर या कोई भी फॉरेन करेंसी इतनी इक्वलेंट में भेज सकते हैं। तो उसका स्टेटमेंट भी क्या देना पड़ता है, मंथली देना पड़ता है। और ऐसे ट्रेड क्रेडिट है, उसका भी स्टेटमेंट क्या होता है, मंथली जाता है। ये हमने पढ़ा था ट्रेड क्रेडिट क्या होता है पिछले उसमें। इसके अलावा क्या होता है एक्सोअर्स, ये जो एक्सोअर्स हम लोगों ने पहले ही बता चुके, इसमें क्या होता है कि हाफ ईयरली जो एक्सपोर्ट है, आउटस्टैंडिंग स्टेटमेंट्स है, ऑल ओवर जो भी जितने भी एक्सपोर्ट बिल अनरियलाइज्ड है, उनका स्टेटमेंट किस में जाता है, एक्सोअर्स में जाता है ना। तो अनरियलाइज्ड जो, या मतलब जो अनरियलाइज्ड एक्सपोर्ट बिल्स है उनका स्टेटमेंट जाता है, ये हाफ ईयरली जाता है। हाफ ईयरली का मतलब क्या हो गया, मतलब एक बार जून में जाएगा और एक दिसंबर में जाएगा। पर ये इम्पोर्टेंट, इसमें ये ध्यान रखना है कि जो अब क्या आ गया, अब क्या हो गया, अब हमारे पास EDPMS एक्सपोर्ट डाटा प्रोसेसिंग मॉनिटरिंग सिस्टम आ गया, इसलिए उसमें एक्सोस की डिसकंटिन्यू हो गया और EDPMS में वो डाटा देना पड़ता है। ऐसे ही जो BEF डाटा है, जो बिल ऑफ एंट्री वाला जो डाटा है, उसमें क्या है कि जहां पर रेमिटेंस तो आ गए हैं पर प्रूफ ऑफ रेमिटेंस नहीं आया है रेमिटर को द्वारा, जो प्रूफ ऑफ इंपोर्ट नहीं आया है, इंपोर्ट का प्रूफ नहीं आया है, हम मतलब कि रेमिटेंस तो आ गया है पर, तो उसमें वो जो डाटा है वो भी देना पड़ता है। पर इसके बाद इसमें भी क्या हो गया, IDPMS सिस्टम आ गया, जो इंपोर्ट से रिलेटेड IDPMS, इंपोर्ट डाटा प्रोसेसिंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम IDPMS आ गया है, इस वजह से ये भी डाटा नहीं देना पड़ता है। ऐसे ही फेमिस है, ये क्या है कि ये डाटा डेली जाता है, फॉरेन एक्सचेंज जो मैनेजमेंट सिस्टम है इसमें क्या होता है, फेमिस में क्या होता है कि डेली डाटा जाता है, फॉरेन डीलिंग नॉर्म ऑपरेशन का जो भी डाटा है वो डेली जाता है। एक होता है ईसीबी, ईसीबी का मतलब होता है रिपोर्टिंग ऑफ ईसीबी एक्सटर्नल कॉमर्शियल कॉमर्शियल बोरोइंग, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग, ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था इसके बारे में कंसेप्चुअल, तो वो आपको ध्यान रखना है। तो ईसीबी डाटा, तो आप इनमें से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का आएगा, आप ये जरूर देख लो कि आर रिटर्न है वो आपको क्या देना है, 1 महीने में 2 बार देनी, बैलेंस स्टेटमेंट का मतलब क्या हो गया, नोस्ट्रो और वोस्ट्रो अकाउंट में जो बैलेंस है, स्टेटमेंट 5 में क्या हो गया FCNR अकाउंट का, स्टेटमेंट 8 में क्या हो गया NRE और NRO अकाउंट का, NRD में कंसोलिडेटेड डाटा, IBS जो है वो आपके क्वार्टरली जाता है, जो भी इंटरनल असेट्स और लाइबिलिटी जो उनका रेमिटेंस है उनका डाटा मंथली जाता है, जिसकी लिमिट होती है 2,50,000, इसको हम आगे देखेंगे। ट्रेड क्रेडिट का जो है स्टेटमेंट मंथली जाता है, एक्सोस बीएफ का जाता है वो हाफ ईयरली, पर वो क्या है कि EDPMS और IDPMS से डिसकंटिन्यू हो गया, फेमस का डाटा मतलब डेली जाता है, ईसीबी का डाटा जाता है। तो ये हमने क्वेश्चन देखा था, आर रिटर्न इज सबमिटेड टू आरबीआई ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स ऑफ मंथ, तो कौन कौन सी डेट को जाएगा, 15th को और लास्ट डे को जाएगा।
एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट एंड ट्रेड इज रेगुलेटेड बाय डीजीएफटी। ये बिल्कुल करेक्ट है, डीजीएफटी रेगुलेट ट्रेड कंट्रोल थ्रू एक्जिम पॉलिसी। डीजीएफटी हम आगे पढ़ेंगे। आरबीआई रेगुलेट एक्सचेंज कंट्रोल अंडर फेमा गाइडलाइन, बिल्कुल सही है। तो ये भी सही है और ये भी सही है। रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द फर्म कंपनी फॉर इंटरनेशनल ट्रेड इज नोन एज बीआईसी, नहीं आईईसी, जो भी इंटरनेशनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड बोलते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। तो इसका मतलब आंसर ये है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया, ये हम लोग कंसोलिडेटेड अब तक जो कंसेप्ट पढ़े उनके हिसाब से सारे क्वेश्चन ले रहे हैं जो कि हम कर सके। जो फेमा एक्ट है वो 99 स्टेच्यू ऑफ पार्लियामेंट का एक्ट है, 1 जून 2000 से इम्प्लीमेंटेड है। जो भी सारे फॉरेन ट्रांजेक्शन्स हैं जो कि इंडिया में अंडरटेकन होते हैं या जो हमारे रेजिडेंट इंडियन है उनके द्वारा, मतलब जो पर्सन रेजिडेंट है इन इंडिया में बाहर से आएगा उसको भी क्या करना पड़ेगा, फेमा एक्ट का फॉलो करना पड़ेगा। और बाई पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया वो ये हो गए, क्या क्या हो गया, ये उनके लिए एप्लीकेबल है। अब इसमें एक और क्वेश्चन आ जाता है, वो था लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। उसमें क्या है कि भाई कोई भी व्यक्ति जो है इतना रेमिटेंस US डॉलर 2,50,000 इतने की लिमिट है पर फाइनेंशियल ईयर में इतना रेमिट कर सकता है, किन किन कामों के लिए नीचे बताए हुए हैं। और इसमें क्या हो, इसका जो फाइनेंशियल ईयर जो कर सकता है ना वो क्या है कि भाई करंट और कैपिटल में, दोनों में। करंट का मतलब क्या हो गया, ऐसे टाइप की चीजें जिनसे कोई उसको मतलब जो करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन का मतलब क्या हो गया कि ऐसी चीजें जिनसे कोई उसको कोई वो गेन नहीं कर रहा है, कोई उसको पैसे नहीं कमा रहा है। कैपिटल टाइप का जो ऐसा ट्रांजेक्शन जिसमें मतलब शेयर वगैरह में इन्वेस्ट कर रहा है उस टाइप का, तो दोनों अलाउड है। ये आपको ध्यान रखना है, करंट भी और कैपिटल भी। पर ये जो स्कीम है ना ये आपको ध्यान रखना है कि ये किसको नहीं मिलती है, नॉट अवेलेबल टू, ये भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि ये उनको नहीं मिलेगी कि भाई व्यक्तियों को मिलती है, कॉरपोरेट्स इंडिविजुअल्स के लिए, कॉरपोरेट को नहीं है, पार्टनरशिप फर्म को नहीं है। ट्रस्ट को नहीं है, एचयूएफ को नहीं है, ट्रस्ट को नहीं है, ये किसके लिए, कोई भी व्यक्ति इंडिविजुअल व्यक्ति है जो भी रेजिडेंट इंडिविजुअल है किसको मिलती है। लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम किसके लिए एप्लीकेबल है, रेजिडेंट इंडिविजुअल। अब इसमें क्या क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, अगर मान लो आप कोई प्राइवेट विजिट कर रहे हो, घूमने जा रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो, 2,50,000 का रेमिटेंस कर सकते हो। पर इसमें नेपाल और भूटान के लिए अलाउड नहीं है, ध्यान रखना, प्राइवेट विजिट नेपाल और भूटान के लिए अलाउड नहीं है, क्योंकि नेपाल और भूटान के लिए मतलब आप लोग इंडियन करेंसी भी वैसे यूज कर सकते हो वहां पर। तो प्राइवेट विजिट टू एनी कंट्री बट एक्सेप्ट नेपाल और भूटान, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। और आपको मान लो उसके लिए आपको मान लो कि आप जो है अगर 50,000 रुपये के इक्वलेंट, 50,000 रुपये का मान लो आप निकलवाना चाहते हो डॉलर में, तो 50,000 रुपये के इक्वलेंट तो जो 2,50,000 में से, US डॉलर 2,50,000 में से 50,000 रुपये के इक्वलेंट तो आप क्या कर सकते हो, कैश में ले सकते हो। कैश में मतलब जो है आप यूज कर सकते हो, तो पर उससे ज्यादा का होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आपको चेक लेना पड़ेगा, बैंकर चेक लेना पड़ेगा, पे ऑर्डर लेना पड़ेगा, डिमांड ड्राफ्ट लेना पड़ेगा, या एनईएफटी करना पड़ेगा, या आरटीजीएस करना पड़ेगा। उससे ज्यादा का जो आपको करना पड़ेगा इस तरीके से करना पड़ेगा। बाकी आप कैश में विड्रॉ करके मान लो कोई ट्रेवल एजेंट को देना तो दे सकते हो, पर 50,000 रुपये के इक्वलेंट ही दे सकते हो, उससे ज्यादा का टोटल तो 2,50,000 तक का आप रेमिटेंस कर सकते हो, पर US डॉलर 2,50,000 तक का कर सकते हो। पर आपको अगर मान लो 50,000 रुपये के इक्वलेंट डॉलर देने हैं तो वो तो आप उसको कैश में निकलवा के अपने बैंक से दे सकते हो, पर उससे ज्यादा का देना है करना है तो आपको कैश में नहीं कर सकते हैं। गिफ्ट और डोनेशन दे सकते हो, अब्रोड एम्प्लॉयमेंट के लिए जाना है उसके लिए मान लो कोई रेमिटेंस देना है, इमाइग्रेशन करना है, कोई क्लोज रिलेटिव्स है उनके लिए, बिजनेस के लिए, कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए, ट्रेनिंग के लिए, मेडिकल एक्सपेंसेज के लिए अगर आप जा रहे हैं तब भी कर सकते हैं, या आप किसी को किसी का मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए अकंपनी कर रहे हैं तब भी कर सकते हैं। मेडिकल एक्सपेंसेज के लिए ध्यान रखना है कि US डॉलर 2,50,000 से भी ज्यादा अलाउड हो सकता है कि पर
तब एक डॉक्टर का एस्टीमेट होना चाहिए। स्टडीज अब्रॉड के लिए भी रेमिटेंस कर सकते हो, ये आपको ध्यान रखना है। पर जैसे लॉटरी वगैरह के लिए अलाउड नहीं है, उस टाइप की चीजों के लिए ये रेमिटेंस अलाउड नहीं है। तो ये आपको बेसिक कंसेप्ट समझना है। एक क्वेश्चन एग्जाम में पुराना आया हुआ है, लिबरलाइज स्कीम रेमिटेंस स्कीम फॉर रेजिडेंट्स इंडिविजुअल, फॉर रेजिडेंट्स इंडिविजुअल्स ऑफ यूएस डॉलर, ये 75,000 की जगह क्या हो जाए, ये ओल्ड लिमिट थी, अभी रिसेंट में 2 लाख, ये ओल्ड क्वेश्चन है इसलिए ये ऐसे दिया हुआ है। पर फाइनेंशियल ईयर, एक फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से इज परमिसिबल फॉर एनी परमिसिबल कैपिटल और करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन और ए कम्बिनेशन ऑफ बोथ, दोनों। ये मैंने बताया था कि करंट शेयर वगैरह में भी लगा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट पर्पज से भी कर सकते हो, तो ये दोनों चीजें बिल्कुल सही है, ये सही आंसर है। एक्वायर एंड होल्ड इमूवेबल प्रॉपर्टी और एनी अदर असेट आउटसाइड इंडिया, ये भी अलाउड है। ओवरसीज कंपनी में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, उन्हें रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज अब्रोड, बिल्कुल ऑब्वियसली कर सकते हो। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबोव। विच ऑफ द फॉलोइंग रेगुलेशंस गवर्न्स पेमेंट्स ऑफ इम्पोर्ट्स गुड्स इनटू इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ फेमा। तो फेमा जो है, फेमा का काम क्या है, ये क्वेश्चन उस पे बेसिस है, नहीं ये क्वेश्चन का है कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। तो फेमा को जो है, उनका पेमेंट को, इम्पोर्ट का पेमेंट को गवर्न करेगा किस बेसिस पे, उसका पर्पज रहेगा एक्सचेंज कंट्रोल रेगुलेशन बनाने पे। उसको आपको यह कंसेप्चुअल क्वेश्चन, ट्रेड रेट का रेगुलेशन नहीं, एक्जिम पॉलिसी का नहीं, नन ऑफ दीज का नहीं। आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। फेमा अलाउज रेजिडेंट टू गिफ्ट रेमिटेंस टू रिलेटिव्स फ्रेंड ईटीसी अब्रॉड अप टू यूएस डॉलर इन वन फाइनेंशियल, तो 2,50,000 इसका आंसर हो जाएगा। इसके अलावा एक ये फॉरेन करेंसी अकाउंट है इन इंडिया में, कौन जो हमारा रेजिडेंट इंडियन है, बाई रेजिडेंट इंडियन, तो रेजिडेंट इंडियन है वो भी तो फॉरेन करेंसी अकाउंट खोल सकते हैं ना, कि मान लो डॉलर में खोलना है, कोई सी भी फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी में अकाउंट खोलना है, तो वो कौन कौन से अकाउंट होते हैं, एक्सचेंज अनर्स फॉरेन करेंसी अकाउंट। हमने पहले ही देखा है कि भाई कोई भी रेजिडेंट खोल सकता है, इन पर्सन खोल सकता है, कंपनी भी खोल सकती है और फर्म भी खोल सकती है, काफी इंपॉर्टेंट है ये। और इसमें क्या है, ये हमने पहले वाले चैप्टर में देख चुके हैं, फिर भी आप दोबारा देख लीजिए। और इसमें क्या है कि उनके पास जो फॉरेन करेंसी का आएगा उसमें 100% अमाउंट इसमें डाल सकते हैं, फिर वो उसमें से निकाल भी सकते हैं, मान लो कि पेमेंट करना है, कुछ भी करना है। पर ये क्या है कि करंट अकाउंट होता है, इसमें कोई इंटरेस्ट वगैरह नहीं मिलता है, एक्सचेंज रिस्क से बचाने के लिए बेसिकली यूज करते हैं। और एक्सचेंज अर्नर, जिसको एक्सचेंज मिल रहा है, फॉरेन एक्सचेंज मिल रहा है, उनका अकाउंट है ये। इसके पर्सन, इसका एग्जाम में क्वेश्चंस हम देख लेते हैं एक बार, इसलिए हमने लिया है। ए पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया और अर्नर ऑफ फॉरेन करेंसी शुड ओपन अकाउंट विद इन इंडिया, तो वो कौन सा अकाउंट खुलेगा, ओवरसीज फॉरेन करेंसी, नहीं, इंडिया में खुलेगा ये अकाउंट, किसमें खुलेगा, इंडिया में खुलेगा। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ईएफसी, रुपी अकाउंट नहीं खुलेगा, वोस्टो नहीं खुलेगा, ये अलग अलग चीजें हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड बाई विच इंडियन कैन इन्वेस्ट अब्रोड, मतलब कौन सा मेथड नहीं है जिससे कि इंडिया इंडियन अब्रोड इन्वेस्ट कर सकते हैं, उनमें से कौन सा नहीं, पहले तो अपन पता लगा लें कौन सा है नहीं है, वो पता लग ही जाएगा। तो स्वैप ऑफ शेयर से, ऑब्वियसली शेयर का स्वैप करके इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो यस नोट नहीं है ये। क्रिस्टलाइजेशन, कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट्स मेड टू द इन्वेस्टिंग कंपनी अब्रोड, आप जिस कंपनी में एक्सपोर्ट करना चाह रहे हो वहां पर अगर आपके जो एक्सपोर्ट्स है उनका कैपिटलाइज कर लो, तो ऑब्वियसली आप भी तब भी क्या कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो, यस कर सकते हो। और ईएफसी अकाउंट में से जो बैलेंस है, क्योंकि उससे भी आप क्या कर सकते हो, अब्रोड इन्वेस्ट कर सकते हो, अब्रोड क्या कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो, तो इससे भी यस यस कर सकते हो। नो कोई सा ही नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, नो कोई सा ही नहीं है, नो कोई सा ही नहीं है, ओनली टू भी नहीं हो सकता, ये तीसरा तो ऑप्शन में ही नहीं दिया है। तीसरा तो मतलब ईएफसी अकाउंट से आप क्या कर सकते हो, अब्रोड इन्वेस्ट भी कर सकते हो, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम बताना चाह रहे हैं इस क्वेश्चन के तरीके से। एन ईएफसी अकाउंट कैन बी ओपन्ड बाय विद इन एनईटी रिटर्निंग इंडियंस वो वर नॉन रेजिडेंट्स अर्लियर एंड नाउ रिटर्निंग टू इंडिया फॉर परमानेंट सेटलमेंट टू कीप देयर फॉर करेंसी असेट्स हेल्ड आउटसाइड इंडिया। रेजिडेंट इंडियंस कंपनीज टू ट्रांजेक्ट फॉरेक्स बिजनेस, ए पर्सन कीप हर फॉरेन करेंसी असेट्स नोट्स ट्रेवलर चेक्स ईटीसी डायमंड एक्सपोर्टर्स। तो ये जो है ईएफसी अकाउंट है, पहला तो गलत हो जाएगा, हम लोग आपको आगे अरब से अकाउंट समझाएंगे तब आपको भी समझ में आ जाएगा।
जो भी इसके फॉरेन करेंसी एसेट्स है उनको भी रखने के लिए नहीं, जो भी फॉरेक्स बिजनेस में ट्रांजेक्ट करने के लिए जो अकाउंट खोल रहे हैं उसको क्या बोलेंगे, ईएफसी अकाउंट बोलेंगे। डायमंड एक्सपोर्टर क्या बोलते हैं, डायमंड डॉलर अकाउंट, जो हमने पहले ही समझ लिया है। परमिसिबल डेबिट्स मतलब इन ईएफसी अकाउंट, इसका मतलब क्या हुआ कि ईएफसी अकाउंट से आप क्या क्या किस किन पर्पज के लिए रुपए निकाल सकते हो, यूज कर सकते हो। एडवांस पेमेंट्स टू ओवरसीज सप्लायर्स अंडर द मर्चेंटिंग ट्रेड ट्रांजेक्शन सब्जेक्ट टू कंप्लायंस विद द टर्म्स एंड कंडीशन एज एप्लीकेबल। ऑब्वियसली एडवांस पेमेंट के लिए यूज कर ही सकते हैं ओवरसीज सप्लायर से, आप वहां से सामान इंपोर्ट कर रहे हो तो यस, ये भी आंसर है। पेमेंट ऑफ फ्रेट ऑन इंपोर्ट्स इन इंडिया और एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया बाय द अकाउंट होल्डर टू शिपिंग एयरलाइन कंपनी, ऑब्वियसली कर सकते हो। आप इंपोर्ट करवा रहे हो तब भी फ्रेट का पेमेंट कर सकते हो, एक्सपोर्ट का पेमेंट कराने के लिए, वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए काम में आएगा ना ये पैसा। पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी इन अकॉर्डिंग विद प्रोविजन ऑफ एग्जिम पॉलिसी, ऑब्वियसली कर सकते हो, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। पोस्ट शिपमेंट एक्सपोर्ट क्रेडिट कैन बी लिक्विडेटेड, मतलब आप क्या कर सकते हो कि जो पोस्ट शिपमेंट एक्सपोर्ट क्रेडिट मिला है आपको, उससे किस किस तरीके से आप उसको लिक्विडेट कर सकते हो। ईएफसी अकाउंट में अगर आपके पास बैलेंस हो उससे भी उसको पेमेंट कर सकते हो। ऑब्वियसली कोई दूसरा बिल है जो अनफाइनेंस्ड एक्सपोर्ट बिल है उसका प्रोसीड मिला आपको उसका भी आप कर सकते हो, कोई भी एक्सपोर्ट बिल है उसका आपको रिसीविंग प्रोसीड्स मिला तो उससे भी कर सकते हो। तो डी आंसर क्या हो जाएगा, अलग दो कंसेप्ट आपको क्लियर है तो आप ऐसे क्वेश्चन भी कर पाएंगे। एक ऐसा ही ऐसा जो कंसेप्ट एक अकाउंट होता है रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट, ये भी आपको समझना है। ये वो अकाउंट है जो रेजिडेंट खोलेंगे, और ये क्या है कि कोई भी रिटर्निंग इंडियन, जो बाहर वाले जो पहले एनआरआई थे अब इंडिया में आके रेजिडेंट हो रहे हैं परमानेंट सेटलमेंट के लिए, उनके लिए कौन सा अकाउंट याद करना है आपको, आरएफसी। और ये क्या है कि फॉरेन करेंसी अकाउंट खोल सकते हैं, जो भी उनके फॉरेन करेंसी असेट्स हैं वो आउटसाइड इंडिया है, और कोई भी पैसे वैसे हैं जो कि उनको मिले बाहर आउटसाइड इंडिया के, उससे ये नहीं कि इंडिया में आप कमा रहे हो और वो डाल रहे हो, उस टाइप का नहीं। और इसमें क्या है कि कोई भी फॉरेन एक्सचेंज आउटसाइड इंडिया आपको गिफ्ट में भी मिला हो तो भी डाल सकते हैं, या इनहेरिटेंस में मिला है फ्रॉम ए पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया वो भी इसमें क्या कर सकते हो, आप क्रेडिट कर सकते हो, ये ध्यान रखना। एक उसके अलावा क्या होता है, आरएफसीडी, रेजिडेंट फॉरेन करेंसी डोमेस्टिक अकाउंट, आरएफसीडी। ए पर्सन इन रेजिडेंट इंडिया ओपन एंड मेंटेन ए रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट आउट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एक्वायर्ड बाय हिम इन द फॉर्म ऑफ करेंसी नोट्स ट्रेवलर चेक्स वाइल ऑन ए विजिट टू कंट्री आउटसाइड इंडिया, नॉट फ्रॉम बिजनेस और एज ए ऑनेरियम और गिफ्ट और फॉर सर्विस रेंडर्ड इन इंडिया टू एनी पर्सन हु इज नॉट एनी रेजिडेंट इंडिया एंड इज ऑन ए विजिट टू इंडिया और टू रिप्रेजेंट अनस्पेंट फॉरेन एक्सचेंज एक्वायर्ड फॉर ट्रेवल अब्रोड। ये इसका मतलब क्या है कि रेजिडेंट फॉरेन करेंसी डोमेस्टिक अकाउंट वो होता है कि कोई पर्सन इंडिया का है बाहर वो घूमने के लिए गया फॉर एग्जाम्पल, और उसको उसने कुछ पैसे लिए थे निकाले थे, मान लो उसने $50,000 निकाले, उसके बाद वहां पर उसका स्पेंट नहीं हुआ बच गए, तो वो पैसे किसमें डालेगा, तो वो किसमें डाल सकता है, रेजिडेंट फॉरेन करेंसी डोमेस्टिक अकाउंट में डालेगा जो कि बाहर थोड़े टाइम के लिए गया फॉर द पर्पज ऑफ घूमने के लिए गया, यानी कि बिजनेस के लिए गया, उसके लिए नहीं, बिजनेस के लिए एनआरआई नहीं बना है वो पर्सन, वो जस्ट गया, वो एनआरआई नहीं हुआ बस गया, और जो भी पैसे आए, या इंडिया में ही था कोई फॉरेनर आया उसने उसकी सर्विस ली, और वो उसने मान लो कि कोई भी नॉन रेजिडेंट आया और उसने उसकी सर्विस ली और वो पैसे आए उसके पास, तो वो मान लो उसने डॉलर दे के गया, तो वो किस में डालेगा, वो डॉलर किस में डालेगा, रेजिडेंट फॉरेन करेंसी डोमेस्टिक अकाउंट में डालेगा। तो ये, और ये क्या है कि ये भी नॉन इंटरेस्ट बियरिंग अकाउंट है, ये भी करंट अकाउंट होते हैं, और इसके लिए करंट अकाउंट, इसका जो डेबिट है वो करंट और कैपिटल दोनों कर सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो मेन जो इसका है कि ये कंसेप्ट आपको समझ लेना है। एक होता है, तो ये क्वेश्चन आया हुआ भी है एग्जाम में, अनस्पेंट जो फॉरेन एक्सचेंज है वो किस में डिपॉजिट किया जा सकता है, आरएफसीडी में डिपॉजिट किया जा सकता है।
एक होता है डायमंड डॉलर अकाउंट, जो कि डायमंड बिजनेस में होते हैं। ये हम लोगों ने पहले ही समझा दिया आपको कि जो लोग डायमंड का एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं, उनको एक्सचेंज रिस्क से बचाने के लिए डायमंड डॉलर अकाउंट वो खोल सकते हैं। और ये कितने खोल सकते हैं? वो 5 खोल सकते हैं, अप टू 5 नंबर ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, ये इसके बेसिक कंसेप्ट है। ये इसका हमारा एक क्वेश्चन हम और ले लेते हैं। एक्सपोर्ट प्रोसीड्स फ्रॉम एनी ऑफ द एसीयू कंट्रीज इज सेटल्ड थ्रू ए सेपरेट अकाउंट मेंटेन बाय द एडी फॉर दिस पर्पज। तो ऑब्वियसली रुपी अकाउंट में नहीं, ईएफसी में, डीडीए में नहीं, डॉलर और यूरो अकाउंट में जो होता है। ये क्वेश्चन पुराना है, पर हमने इसलिए लिया था कि आपको समग्रता से हर कंसेप्ट समझ में आ जाए। तो आपको यहाँ पर यह समझ में आ रहा होगा, जो सेपरेट डॉलर और यूरो अकाउंट मेंटेन करके आप एक्सपोर्ट प्रोसीड उसमें डाल सकते हैं। यहाँ पर आपको कंसेप्ट क्लियर होगा आई थिंक। अगर आप लोग पूरे अच्छे से पढ़ेंगे तो आप हर चीज को समझ पाएंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें बुक्स में दी हुई है, पर अपन को समझ में कंसेप्ट समझना है और हम सारे क्वेश्चन कर सकते हैं एग्जाम में, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस रहेंगे, कुछ याद रखना ही नहीं है अपन को। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अब इसका हम एक पार्ट और बनाएंगे ताकि ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए। थैंक यू वेरी मच।